तो जीओटी के पिछले एपिसोड से हम लोगों को पता चला था कि हाउंड अभी भी जिंदा है। वो एक पीसफुल जिंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जिंदगी उल्टी पुल्टी हो जाती है और अब हाउंड ब्रदरहुड वालों को निपटाने के लिए फिर से हथियार उठा लेता है। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि सानसा ने ब्रियन को ब्लैकफिश से मिलने को बोला था ताकि सानसा को हाउस सली का सपोर्ट मिल सके। इसी के साथ साथ लास्ट एपिसोड में वेव ने आर्या पर अटैक कर दिया था, जिसमें आर्या बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो बच जाती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लेडी क्रेन अपना प्ले कर रही होती है। पिछली बार आर्या ने लेडी क्रेन को सर्सी के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो इस बार लेडी क्रेन वो सारे के सारे चेंजेस इम्प्लीमेंट करती है। और जब वो प्ले खत्म करके बैक स्टेज आती है तो वो देखती है कि वहां पे आर्या है और उसके पेट से खून निकल रहा है। लेडी क्रेन आर्या की मरहम पट्टी करती है और उसको दवाई देती है। इसी के साथ साथ वो उसे अपने घर भी ले आती है। आर्या लेडी क्रेन से उस बंदी के बारे में पूछती है जो लेडी क्रेन को मरवाना चाहती थी। क्रेन आर्या को बताती है कि मैंने उस एक्ट्रेस का थोपड़ा पूरी तरह बिगाड़ दिया है और अब उसको कहीं पे भी काम नहीं मिलेगा। लेडी क्रेन आर्या से उसके ग्रुप को ज्वाइन करने को बोलती है, पर आर्या उसको मना कर देती है। वो उसको बताती है कि मेरे यहाँ रहने से आपकी जान को खतरा है, क्योंकि फेसलेस मैन मेरे पीछे पड़े ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको नहीं मारा। अब ये सुनके लेडी क्रेन स्माइल करती है और आर्या को आराम करने के लिए बोलती है। अगले दिन लेडी क्रेन आर्या के पास ये देखने आती है कि वो ठीक है या नहीं। उसके बाद वो अपने रूम में अलग निकल जाती है, लेकिन तभी वहाँ वेव आती है और क्रेन को मार देती है। आर्या लेडी क्रेन को आवाज देती है, पर कोई रिप्लाई ना मिलने की वजह से वो लेडी क्रेन को देखने जाती है। वो जैसे ही रूम में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ क्रेन की बॉडी पड़ी हुई है और वेव उसके सामने खड़ी है। आर्या बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागती है और वेव उसका पीछा करती है। आर्या भाग के उसी डार्क रूम में चली जाती है और फिर वो अपनी तलवार यानी अपने नीडल को निकालती है। वेव उसके पीछे पीछे उसी रूम तक आ जाती है। आर्या तभी इस रूम की कैंडल को बुझा देती है, जिससे यहाँ हर तरफ अंधेरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट में जेरन हकार फ्लोर पर खून देखता है और फिर वो वॉल में वेव का फेस लगा हुआ देखता है। आर्या यहाँ जेरन के पास आती है और वो उसके सर पे अपनी तलवार पॉइंट कर देती है। जेरन आर्या को देखता है और कहता है कि ये लड़की फाइनली द नो वन बन चुकी है, लेकिन तब आर्या उससे कहती है कि इस लड़की का नाम द नो वन नहीं है, इस लड़की का नाम आर्या स्टार्क है और अब ये लड़की अपने घर वापस जा रही है। वहीं रिवर रन में कुछ लोग एक बॉन फायर जलाकर आराम से चिल कर रहे होते हैं। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने हाउंड के नए दोस्त रे को मार दिया था। हाउंड अब यहाँ जाता है और इन लोगों को चुन चुन के पेल लेता है। कुछ लोगों का तो वो कुल्हाड़ी से सर भी फाड़ देता है, लेकिन इन लोगों का लीडर यहाँ पर नहीं रहता। हाउंड उनके बाकी साथियों को ढूंढने लगता है और तभी उसको बेरिक डोंडारियन और उसके बाकी साथी मिलते हैं। और इन लोगों के पास वही लोग रहते हैं जिनको हाउंड ढूंढ रहा था। बेरिक इन लोगों को फांसी लगाने ही वाला था, तभी हाउंड उसके पास आता है और उसे कहता है कि इनको मुझे मारने दो, क्योंकि इन्होंने मेरे दोस्त रे और उसके सभी साथियों को मार दिया। बेरिक और थॉरस हाउंड की बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि इन लोगों को मरना तो होगा ही, लेकिन ये लोग तुम्हारे हाथों नहीं मरेंगे बल्कि फांसी पे लटक कर मरेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारा ब्रदरहुड का कोड निपटाया है। बोले तो इन लोगों ने हमारे एथिक्स को तोड़ा है। अब हाउंड भी इन लोगों से ज्यादा बहस नहीं करता और इन लोगों को फांसी पे लटका देता है। इन हरामी लोगों को मारने के बाद बेरिक हाउंड को अपने ग्रुप में शामिल होने को बोलता है और थोड़ी बातों के बाद हाउंड फाइनली ब्रदरहुड में ज्वाइन हो जाता है। वही किंग्स लैंडिंग में सर्सी से मिलने हाई स्पैरो के कुछ लोग आते हैं और उनके साथ लैंसा लैनिस्टर भी रहता है। सर्सी ये सुन के थोड़ा सा डर जाती है और अपने बेटे टॉमन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तब उसको पता चलता है कि टॉमन पूजा वगैरह कर रहा है और उसने कहा है कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे, और एक्चुअली टॉमन के ही आदेश से ये भिखारी लोग कासल में घूम रहे हैं। तब सर्सी कायवन और माउंटेन के साथ उनसे मिलने जाती है। लैंसा सर्सी को अपने साथ सेप्ट ऑफ बेलर में चलने को बोलता है। सेप्ट ऑफ बेलर बोले तो चर्च में चलने को बोलता है। वो उसको बताता है कि हाई स्पैरो उससे कुछ बात करना चाहते हैं। सर्सी लैंसा को मना कर देती है और वो उससे कहती है कि हाई स्पैरो को मुझसे जो भी बात करनी है वो यहीं रेड कीप में आके मुझसे बात करे। लैंसा उससे कहता है कि ये नहीं हो सकता, आपको खुद हमारे साथ वहां चलना होगा, नहीं तो हम आपको जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। अब ये सुनते ही सर्सी पीछे हो जाती है और माउंटेन आगे आ जाता है। लैंसर के साथ जो आदमी रहता है वो माउंटेन पे अटैक करता है, पर इस अटैक का माउंटेन पे कोई भी असर नहीं होता।
उल्टा माउंटेन उसको उठाकर पटक देता है और उसको चीड़ फाड़ कर देता है। और ये सब देख के बाकी लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सर्सी को पता चलता है कि रॉयल अनाउंसमेंट होने वाली है। वो इसके लिए तुरंत थ्रोन रूम में जाती है और टॉमन के पास जाने लगती है। तभी केविन जो कि हैंड ऑफ द किंग है वो सर्सी को रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी जगह वहां पर नहीं बल्कि गैलरी में है जहां पे बाकी लेडीज खड़ी हुई हैं। सर्सी को ये सुन के थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है पर वो केविन की बात मान जाती है। थोड़ी देर बाद टॉमन अनाउंसमेंट करता है कि लोरस टायरेल और सर्सी लेडिस्टर का ट्रायल जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा और वो दूसरी अनाउंसमेंट ये करता है कि आज से ट्रायल बाय कॉम्बैट को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। अब ये सुन के सर्सी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो सोच रही थी कि ट्रायल बाय कॉम्बैट से वो ये ट्रायल जीत जाएगी पर अब उसके ही बेटे ने उसका बना बनाया गेम चेंज कर दिया। सर्सी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसके पास कायबन आता है और उससे कहता है कि आपने जो मुझसे पता करने को बोला था ना वो बात सच है। मेरे लिटिल बर्ड्स बोले तो मेरे छोटे जासूसों ने ये बात अब कंफर्म कर दी है। वहीं रिवर रन में लेनिस्टर आर्मी और फ्रेस की आर्मी किले को घेरे हुए है। तभी यहाँ ब्रियन और पॉडरिक वहाँ पहुँचते हैं। उनको लेनिस्टर सोल्जर देख लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब ब्रियन उनसे कहती है कि जेमी लेनिस्टर से बोलो कि ब्रियन उनसे मिलना चाहती है और मेरे पास उनकी तलवार भी है। तो ये सोल्जर्स उसको जेमी के पास ले जाते हैं। पॉडरिक टेंट के बाहर रुकता है जहाँ उसको ब्रॉन मिलता है। ब्रॉन वहाँ बोर हो रहा था तो वो पॉडरिक के थोड़े बहुत मजे भी ले लेता है। वहीं ब्रियन जेमी को बताती है कि उसने अपना टास्क अचीव कर लिया है और अब सांसा अपने भाई जॉन स्नो के साथ बोल्टन्स के खिलाफ जंग लड़ रही है ताकि वो विंटरफेल वापस ले सके। इसी के साथ साथ वो जेमी को बताती है कि मुझे यहाँ लेडी सांसा ने भेजा है ताकि मैं ब्लैकफिश से हेल्प मांग सकूं। अब ये सब सुन के जेमी उसको बताता है कि ब्लैकफिश यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, वो किले पे कब्जा करके बैठा हुआ है। अब ये सुन के ब्रियन कहती है कि वो अपने घर के लिए लड़ रहा है। ब्रियन जेमी से ये भी कहती है कि उसको किले के अंदर जाने दिया जाए ताकि वो ब्लैकफिश से बात कर सके और बिना खून खराबे के किला जेमी को वापस मिल भी सकता है। और बदले में जब जेमी को ये कासल वापस मिल जाए तो वो टली आर्मी को चुपचाप नॉर्थ में वापस जाने दे। जेमी यहाँ पे ब्रियन की बात मान जाता है और उसको अंदर जाने की परमिशन भी दे देता है। जाते जाते ब्रियन जेमी से कह के जाती है कि अगर ब्लैकफिश ने मेरी बात नहीं मानी और तुमने किले पे कब्जा कर लिया तो तुमको मुझसे भी फाइट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे सांता के रिलेटिव की ओर से लड़ना ही पड़ेगा। ब्रियन और पॉडरिक किले के अंदर जाते हैं और ब्लैकफिश से बात करते हैं। ब्लैकफिश पहले तो ब्रियन की बात सीरियसली नहीं लेता, उसको लगता है कि ये दुश्मन की चाल है। तब ब्रियन उसको अपनी पूरी बैक स्टोरी बताती है और सांता का दिया लेटर भी उसको देती है। ब्लैकफिश लेटर देखते ही समझ जाता है कि ये सांता ने ही लिखा है। वो ब्रियन को बताता है कि सांसा की राइटिंग बिल्कुल उसकी माँ की तरह है यानी कैटलिन स्टार्क की तरह। ब्लैकफिश लेटर पढ़ता है और ब्रियन से कहता है कि वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी खुद की लड़ाई लड़ने में व्यस्त है। रात होते ही जेमी एडमियर से मिलने जाता है और उसको अपने और सर्सी के बारे में बताता है। इसी के साथ साथ वो उसको हल्की फुल्की धमकी भी देता है। फ्रेस की धमकी का एडमियर पर कुछ भी खास असर नहीं होता पर जेमी की बात सुनके बेचारे की फट जाती है। एक्चुअली रेड वेडिंग के टाइम एडमियर टली की शादी हुई थी और उस रात ही एडमियर ने सेंचुरी मार दी थी। एडमियर को उस टाइम एक बेटा हुआ था। जेमी एडमियर से बोलता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे लिए ये गेट्स खुलवा दो। जेमी उसको यहाँ पे आजाद कर देता है और कहता है कि जाके किले के गेट्स खुलवा दो और सबको सरेंडर करने को बोलो। एडमियर जेमी की बात मान जाता है और किले के गेट्स पे जाके अंदर जाने की डिमांड करता है। ब्लैकफिश उसको अंदर नहीं आने देता बट टली सोल्जर एडमियर की बात सुनते ही टली सोल्जर्स एडमियर की बात सुनते हैं। वो ब्लैकफिश से कहते हैं कि ये रिवर रन के राइटफुल लॉर्ड है और वो अंदर आने के लिए बोल रहे हैं। जब ब्लैकफिश उनको रोकता है तो वो उससे कहते हैं कि आप यहाँ के लॉर्ड नहीं हैं, वो हैं। और फिर ये सारे के सारे सोल्जर्स एडमियर को अंदर आने देते हैं। एडमियर अंदर आते ही किले के गेट्स खोलने के ऑर्डर देता है और सभी सोल्जर्स को सरेंडर करने का ऑर्डर भी। ये सभी लोग एडमियर की बात सुनते हैं और गेट्स को खोल देते हैं। इसी के साथ साथ ये लोग सरेंडर भी कर देते हैं। गेट के खुलते ही लेनिस्टर सोल्जर्स और फ्रे के सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं। ब्रियन और पॉडरिक भी किले में ही रहते हैं। जेमी ब्लैकफिश को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है और फिर सोल्जर्स उसको ढूंढने लगते हैं।
वहीं ब्लैकफिश ब्रियन और पॉडरिक को सीक्रेट रास्ते से भगा देता है। ब्रियन ब्लैकफिश से अपने साथ चलने को बोलती है, पर ब्लैकफिश वहीं रुक के लड़ने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद जब जेमी के पास एक सोल्जर आता है, वो उसको बताता है कि ब्लैकफिश हमारे सोल्जर से लड़ते हुए मारा गया है। और तभी जेमी ब्रियन को जाते हुए देखता है और उसे दूर से बाय बाय करता है। वहीं मेरीन में टीरियन और वेरिस डॉग्स की तरफ जा रहे होते हैं। वेरिस वेस्टरोस जा रहा होता है ताकि वो डेनेरिस के लिए वहां अलायंस बना सके। डॉग्स के रास्ते में वो देखता है कि लॉर्ड ऑफ लाइट्स के लोग लोकल पब्लिक में डेनेरिस की वाहवाही कर रहे होते हैं और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी लोगों को बताते हैं। ये टीरियन का प्लान रहता है ताकि लोगों के सामने डेनेरिस की एक अच्छी खासी इमेज बन जाए और ये पब्लिसिटी लॉर्ड ऑफ लाइट्स की पुजारन बोले तो रेड वुमन जैसी बंदियां ही कर रही हैं। वेरिस को बाय बोल के टीरियन वापस टावर में आ जाता है और ग्रे वॉर्म और मिसांडे के साथ बैठ के ड्रिंक भी करता है और उनके साथ खूब जोक्स भी उड़ाता है। पहली बार ग्रे वॉर्म ऐसे इन लोगों के साथ बैठ के इंजॉय करता है, पर इन लोगों की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि मास्टर्स टीरियन के साथ किए गए पैक्ट को तोड़ देते हैं और सिटी पे अपनी नेवी से हमला कर देते हैं। टीरियन जल्दी से ग्रे वॉर्म के पास जाता है और उसे कहता है कि हम डॉग्स पे अपने सोल्जर्स क्यों नहीं भेज रहे हैं। तब ग्रे वॉर्म उसको बताता है कि हम उनको वहां नहीं रोक सकते हैं, हमको यही पिरामिड में रुकना होगा और उनका वेट करना होगा और जब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो हम लोग उनको यहाँ से मार देंगे। टीरियन इन लोगों की बात मान जाता है। तभी इन लोगों को पिरामिड की छत पे कुछ हलचल महसूस होती है। इन लोगों को लगता है कि शायद एनिमीज पिरामिड तक आ चुके हैं। सब लोग रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि डेनेरिस वापस आ चुकी है और डेनेरिस को देख के ये सभी लोग खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।